अगर मैं कहूं कि पृथ्वी पर एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहां से 50 शिप्स, 20 प्लेन्स और हजारों लोग गायब हो गए, जिसका एक्सप्लेनेशन हमारी समझ के परे, तो आपको कैसा लगेगा? मायामी, बर्म्यूडा और प्योर्टो रिको के बीच के इस एरिया में एंटर करते ही कंपस काम करना बंद कर देता है। टाइम कुछ अलग तरह से गुजरता है और ये कहानियां बताने के लिए कुछ ही लोग जिंदा बाहर आते हैं। बात हो रही है बर्म्यूडा ट्रायंगल की, जिसके पानी के अंदर कई सारी डूबी हुई शिप्स और प्लेन्स पाए जाते हैं। ये है द मिस्ट्री ऑफ बर्म्यूडा ट्रायंगल। बचपन से मुझे बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी काफी फैसिनेटिंग लगी है। क्या हो सकता है बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर? अलग अलग थियोरीज क्या हैं? बर्म्यूडा ट्रायंगल में शिप्स और प्लेन्स गायब क्यों होते हैं? इसके राज क्या हैं? आइए जानते हैं कुछ मिस्टीरियस कहानियां जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। ये वीडियो दो पार्ट में लॉजिकली डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम बर्म्यूडा ट्रायंगल की हिस्ट्री और मिथ को जानेंगे और दूसरे पार्ट में हम 10 ऐसी थियोरीज डिस्कस करेंगे जिनमें से कुछ तो नॉर्मल है और कुछ पैरानॉर्मल। आज हम अटलांटिस से लेकर अंडरवाटर ब्लैक होल्स तक सारी थियोरीज आपके सामने रखेंगे। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस देखना पसंद है तो नीचे कमेंट्स में वी वांट मोर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको किन चीजों में इंटरेस्ट है। ओके, बिफोर वी बिगिन लेट मी सेव यू सम टाइम। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल क्रूजेननिकी कहते हैं कि बर्म्यूडा की मिस्ट्री सॉल्व हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ कोई मिस्ट्री है ही नहीं। वो कहते हैं कि ये एरिया अमेरिका के करीब है, जहाँ हाई नेवल ट्रैफिक होता है, और यहाँ से जितनी शिप्स गुजरती हैं, उस हिसाब से यहाँ कुछ एक्सीडेंट्स होना, कुछ शिप्स डिसअपीयर होना स्वाभाविक है। यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है। जैसे दुनिया के किसी भी कोने में एक्सीडेंट्स के अलग अलग रीजंस होते हैं जो एंड तक सॉल्व नहीं होते, वैसे ही बर्म्यूडा ट्रायंगल है। डिफरेंस बस यही है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का हर एक्सीडेंट एक स्टोरी बनता है और बाकी दुनिया का नहीं। बीएफ स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी यही कहती है कि हमें जैसे ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, हमारा माइंड हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को स्ट्रांग बनाता जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे बर्म्यूडा ट्रायंगल में एलियंस है, तो आपको वही आर्टिकल्स मिलेंगे जो कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस हैं, और फिर आपका एग्जिस्टिंग बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मैं ऑकम्स रेजर में विश्वास रखता हूँ। द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट प्रोबेबली द राइट वन। दैट्स इट। इसे याद रखिए। इस पॉइंट पर हम बाद में वापस आएंगे। अब आप चाहे तो वीडियो देखना यहीं पर छोड़ सकते हैं, बिकॉज दैट्स इट। बाकी कोई मिस्ट्री है ही नहीं। लेकिन अगर आप दूसरी थियोरी जानना चाहते हैं, देन कंटिन्यू वॉचिंग। बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री कितनी बिलीवेबल है ये तो पता नहीं, लेकिन पुरानी जरूर है, 500 साल पुरानी, जिसका इतिहास क्रिस्टोफर कोलंबस तक पीछे जाता है। बात है 1492। आपको तो पता ही होगा कि कोलंबस भारत को ढूंढने निकले और अमेरिका पहुंचे। तब तक ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर यूरोप से छुपा हुआ था, लेकिन पृथ्वी गोल है ये उन्हें पता था। तो उन्हें लगा कि अगर वो वेस्ट की ओर आगे बढ़े तो वो जल्द ही एशिया तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो पहुंचे अमेरिका। जब वो अमेरिका से चंद किलोमीटर दूर थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि अचानक से उनके कंपस की सुई घूमने लगी, पंछियों की जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी, दूर से जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें आईं, आसमान के तारे घूमने लगे, और ऐसे लगा कि एक आग का गोला समंदर में तैर रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये बस वेदर हो, या फिर उनका इमेजिनेशन। जो सेलर्स अपने घर से कई महीनों के लिए दूर रहते थे, जो काफी समय के लिए किसी भी औरत को नहीं देखते थे, वो लोनली महसूस करते थे। उन्हें मछलियों में औरतें दिखने लगती थी। मरमेड्स के लेजेंड का जन्म ऐसे ही हुआ, ऐसे क्रीचर्स जो आधी लड़की हैं और आधे फिश। लेकिन ये बस कहानियां हैं, मिथ्स हैं, जो इतने पुराने हैं कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चलिए मॉडर्न एज में आते हैं। बात है 1980 की, जब मार्च के महीने में यूएसएस साइक्लॉप्स वेस्ट इंडीज से बाल्टीमोर जा रही थी। ये छोटी मोटी नहीं, 550 फीट लंबी कार्गो शिप थी, जिस पर 306 नाविक थे, और तो और 11,000 टन मैंगनीज, जिसकी वैल्यू आज के जमाने में कुछ $6 मिलियन है। ये डिटेल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इतने वैल्यू की सामग्री एक शिप से जा रही है तो सिक्योरिटी भी होगी।
इस एरिया में पायरेट्स का खतरा होता है, तो बड़े शिप्स पर एज अ सिक्योरिटी फीचर डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की सुविधा होती थी। लेकिन 4 मार्च 1918 को बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरते गुजरते ये शिप अचानक से गायब हो गई। मिस्टीरियस बात यह है कि इस शिप ने कभी भी इमरजेंसी सिग्नल भेजा ही नहीं। अगर किसी बड़ी लहर ने शिप को तोड़ दिया तो मलबा कहाँ गया? मलबा कभी मिला ही नहीं। यहाँ जो भी हुआ वो इतना फास्ट हुआ कि रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। क्या हुआ होगा? कुछ थियोरीज हैं, जैसे कि इस शिप में जो मैंगनीज था वो अचानक से फूट गया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि म्यूटनी हुई। कुछ वाइल्ड थियोरीज ये भी कहती हैं कि समंदर से एक वाइल्ड ऑक्टोपस आया और शिप को खा गया। ये सारी बातें लिटरली अमेरिकन नेवी की वेबसाइट पर हैं। ये अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे सीरियस नेवल ट्रेजेडी थी जिसमें कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व नहीं था, जो आज तक 100 सालों बाद भी अनरिजॉल्व्ड है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट कहता है कि इस इंसिडेंस के 100 साल बाद भी ये रहस्य एक रहस्य ही रह गया है। ये एक ऐसा इकलौता इंसिडेंस नहीं है। चलिए डेटा देखते हैं। 1840 में ब्रिटिश रॉयल नेवी की HMS रोजली शिप गायब, क्रू के कोई ट्रेसेस नहीं। 1872 में मैरी सेलेस्ट, शिप तो मिली लेकिन सारे पैसेंजर्स गायब। 1909 में SS वाराटा, शिप और पैसेंजर्स सब गायब। 1945, 5 अमेरिकन टॉर्पीडो बॉम्बर्स और 14 क्रू मेंबर्स वैनिश्ड। 1948 डगलस एयरक्राफ्ट। 1965 KC-135 स्ट्राटो टैंकर। 1967 टाइगर मॉथ प्लेन। और ये सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स हैं। यानी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ अलग अलग रीजन से शिप्स और प्लेन्स गायब होते हैं। लेकिन क्यों? कुछ थियोरीज नॉर्मल हो सकती हैं और कुछ पैरानॉर्मल। बर्म्यूडा ट्रायंगल, इस एरिया का कोई भी ऑफिशियल नाम नहीं है, ये बस हमारे पॉप कल्चर का हिस्सा है। इस एरिया को नाम 1964 में मिला एक आर्टिकल में। विंसेंट गैडिस नाम के एक ऑथर ने अर्गोसी नाम के एक मैगजीन में इस एरिया का नामकरण किया और उसके बाद ये टर्म मीडिया में पॉपुलर हो गई। उसके बाद चार्ल्स बर्लिट्स ने द बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम की एक बुक पब्लिश की जो नेशनल बेस्ट सेलर बनी, जिसमें उन्होंने कई थियोरीज डिस्कस की। चलिए ऐसे ही कुछ थियोरीज अब डिस्कस करते हैं। नंबर 10, अटलांटिस शहर। 1969 में मिस्ट्री ऑफ अटलांटिस नाम की एक बुक पब्लिश हुई जिसमें कहा गया कि अटलांटिस एक अंडर वाटर शहर है जहां हमसे एडवांस सिविलाइजेशंस रहती हैं, वही इन शिप्स और प्लेन्स के डिसअपीयरेंस के लिए जिम्मेदार है। ये थियोरी कितनी सच है पता नहीं, लेकिन एक बात सच है कि इस थियोरी की वजह से 1975 की द मिस्ट्री ऑफ बर्म्यूडा ट्रायंगल बुक एक बेस्ट सेलर बन गई। नंबर 9, टाइम ट्रैवल। पीटर एंगलमैन ने 2010 में एक बुक लिखी नेम्ड टाइम पासपोर्ट, जिसमें उन्होंने एक अलग अप्रोच से बर्म्यूडा ट्रायंगल को देखा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से यहाँ टेम्पररी वर्म होल्स हो सकते हैं जो ट्रैवलर्स को फ्यूचर में या फिर पास्ट में भेज सकते हैं। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अनुसार थियोरेटिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए लगने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। नंबर 8, अंडर वाटर ब्लैक होल्स। ब्लैक होल एक अंतरिक्ष का फिनोमेना है जिसके बारे में हम फ्यूचर में एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन ब्लैक होल एक वन वे रास्ता है जहां एंटर तो किया जा सकता है लेकिन वहां से एग्जिट कोई भी नहीं कर सकता। कुछ लोग मानते हैं कि यहां पर एक अंडर वाटर ब्लैक होल है जिसके पास आने पर चीजें गायब हो जाती हैं। 1945 में 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट यहां गायब हो गए। एक हाथ पायलट की गलती होना समझ में आ सकता है, लेकिन पांचों के पांचों कहां गए समझ नहीं आता। नंबर 7, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज। कुछ चीजें ऑलमोस्ट हर हादसे में कॉमन है कि डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं आया और अचानक से संपर्क टूट गया। हो सकता है कि यहाँ कोई मैग्नेटिक एनोमली हो जिसकी वजह से कंपास काम नहीं करता और रेडियो कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। इस फेलियर की वजह से हो सकता है कि नाविकों ने गलती कर दी और क्रैश कर दिया। नंबर 6, मेथेन गैस बबल्स। साइंटिस्ट मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे मेथेन गैस ट्रैप्ड है। ये मेथेन गैस टाइम टू टाइम इरप्ट हो सकता है जिसकी वजह से शिप्स डूब सकती हैं और प्लेन्स में आग लग सकती है। नंबर 5, स्टॉर्म बॉम्ब्स। बर्म्यूडा ट्रायंगल का एक और नाम है द डेविल्स ट्रायंगल। डॉक्टर स्टीव मिलर कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक सैटेलाइट मीटियोरोलॉजिस्ट, उनका काम है वेदर की जांच करना। उन्हें 2016 में एक स्ट्रेंज फिनोमेना यहां देखने मिला। उन्हें यहां क्लाउड्स दिखे, लेकिन साधारण क्लाउड्स नहीं, हेक्सागन के शेप में क्लाउड्स। आपने अमेरिका में आने वाले हरिकेन्स के बारे में सुना होगा, वैसे ही
शॉर्ट स्पैन में आने वाले हरिकेन्स की वजह से यहाँ शिप्स डूबती है और प्लेन्स क्रैश होते हैं, ऐसा माना जाता है। नंबर 4, मिलवाओकी डीप। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर डूबे हुए शिप्स और प्लेन्स मिलते क्यों नहीं, तो मैं पहली वाली लाइन वापस दोहराना चाहता हूँ। द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट प्रोबेबली द राइट वन। बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया काफी बड़ा है, इतना कि इसमें दो जापान फिट हो जाएंगे। ये एरिया अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पार्ट है, जिसे मिलवाओकी डीप कहते हैं। अक्सर बर्मुडा ट्रायंगल का डिस्कशन यहीं पर आकर रुक जाता है कि मलबा मिला क्यों नहीं। उसका एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है दैट द ओशन इज वास्ट, और हमने पूरे ओशन का 80% हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है, तो ये मलबा कहीं पर भी हो सकता है। नंबर 3, सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स। एरिया 51 अमेरिका में एक ऐसा एरिया है जहां सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहां एलियन टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाता है, इसीलिए यहां सिविलियंस अलाउड नहीं है। एक वाइल्ड थियरी ऐसे भी कहती है कि यहाँ एक अंडरवाटर टेस्टिंग फैसिलिटी है, जिसके राज दुनिया की सरकारें हमसे छुपाना चाहती हैं। 1944 में रूबिकॉन नाम की एक शिप यहाँ पाई गई। ये शिप कुछ दिनों पहले लापता हो गई थी। बर्मुडा ट्रायंगल में ये शिप तो मिली, लेकिन ऑन बोर्ड कोई भी प्रवासी नहीं था, सिर्फ एक कुत्ता था जो पागल हो चुका था, डेक पर दौड़ रहा था। इन सारे लोगों का सामान शिप में वैसे के वैसे पड़ा हुआ था। ये सारे लोग कहाँ गए किसी को पता नहीं। नंबर 2, सार्गासो सी थ्योरी। वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में सार्गासम सीवीड है। यहाँ का पानी अनयूजुअली शांत है, जिसकी वजह से नाविक डिसओरियंट हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। ये पानी जितना शांत होता है उतना ही जल्दी यहाँ बड़ी बड़ी वेव्स आ सकती हैं। सही कंडीशंस में ये वेव्स 12 मीटर तक ऊपर जा सकती हैं। पानी के नीचे ऐसे सीवीड होने की वजह से शिप्स ट्रैप हो सकती हैं और अल्टीमेटली डूब सकती हैं। ये एक्सप्लेनेशन पुराने शिप्स के लिए ठीक था, क्योंकि तब ये शिप्स वुड की हुआ करती थी, लेकिन आज के बड़े बड़े जहाजों के लिए ये एक्सप्लेनेशन काफी अनलाइकली है। एंड नंबर 1 थियोरी इज सुपरस्टिशन। अगर बर्मुडा ट्रायंगल में सच में कुछ अजीबोगरीब होता, तो आज के जमाने में पायलट्स इस एरिया को अवॉइड करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि आज इस समय भी कितनी फ्लाइट्स बर्मुडा ट्रायंगल से गुजर रही हैं। सुपरस्टिशन एक ऐसी बला है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज पर विश्वास कर लेंगे जो रियल, जो लॉजिकल है ही नहीं। हमारा ब्रेन पैटर्न्स ढूंढने में माहिर होता है, इसे इंडक्टिव थिंकिंग कहते हैं। बादलों की ओर थोड़े समय के लिए देखने के बाद हर बादल एक एनिमल जैसा लगने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एनिमल्स होते हैं, वो बस हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बर्मुडा ट्रायंगल का एक्सप्लेनेशन कोई पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन है या एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एक बात तय है कि बर्मुडा ट्रायंगल की पूरी कहानी में कई लॉजिकल गैप्स हैं, जिन्हें एक्सप्लॉइट करके लोग अपनी अपनी थियोरीज बनाते हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, और मुझ जैसे लोग यूट्यूब पर वीडियोस भी। तो अगर कोई मिस्ट्री है ही नहीं, तो इस वीडियो का पॉइंट क्या है? पॉइंट बस आप तक कुछ कॉन्सेप्ट्स पहुंचाने का है, और वो भी एक ऐसे मेथड से जिससे वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। नहीं तो ऑकम्स रेजर, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इंडक्टिव थिंकिंग जैसी बातें आप तक पहुंचाना इम्पॉसिबल हो जाता। फॉर मी, बर्मुडा ट्रायंगल एंड दिस वीडियो इज जस्ट अ पैकेज, सो दैट आप इस वीडियो पर क्लिक करें और एंटरटेनमेंट के बहाने कुछ सीख पाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि आपको हर दिन कुछ नया सिखाने से मुझे फर्क पड़ता।